दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, गिल और जडेजा को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों डब्ल्यूटीसी फाइनल के चौथे दिन रविंद्र जडेजा की बदौलत पलट गया पूरा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे दिन 40 रन पर ही दे दिए 10 विकेट के झटके। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत करते हुए जड़ दिया शतक। आखिर भारतीय टीम ने कैसे हारा हुआ मैच अपने काबू में कर लिया, वो सब तो आपको हाईलाइट वीडियो में बताएंगे चौथे दिन की। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डब्ल्यूटीसी फाइनल का मुकाबला अब अंतिम चरण पर आ चुका है, क्योंकि दोस्तों मैच में अब किसी को नहीं पता कि भारत जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों अभी भी भारत की उम्मीदें पूरी तरह से बरकरार है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ अपनी पहली पारी में टॉस हारने के बाद 469 रन बनाए थे और जवाब में भारत को 469 रन का तो आंकड़ा पार करना ही था और साथ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड भी लेनी थी। लेकिन टीम इंडिया इसको कर पाने में विफल रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जिस तरह से विकेट गिरा, उसके बाद फिर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली भी चलते बने और दोस्तों 4 विकेट मात्र 71 रन के कुल स्कोर पर गवा देने के बाद अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला था, जहां जडेजा ने 48 वहीं रहाणे ने 89 रनों की पारी खेली। फिर श्रीकर भरत 5 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। शार्दुल ठाकुर ने भले 51 रन बनाए, बाकी किसी भी बल्लेबाज ने ज्यादा रन बनाए नहीं और भारतीय टीम 296 रन पर ही अपने 10 विकेट गवा बैठी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 173 रन की बढ़त हासिल हो चुकी थी। अब हर किसी को यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से कहीं 300-350 रन न बना दे। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन का जब मैच समाप्त हुआ तो यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला चुकता कर लिया। जी हां दोस्तों, यहां जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत की तो यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर का विकेट चटका दिया, जो कि 1 रन बनाकर ही आउट हुए। और इस एक विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि यहां उनके एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे। दरअसल यहां उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर साझेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच उस्मान ख्वाजा को उमेश यादव ने चलता किया, जो कि 13 रन ही बना पाए। तो वहीं उस्मान ख्वाजा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए स्टीव स्मिथ। यहां स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने भले मिलकर 50 रन की साझेदारी को अंजाम दिया, लेकिन दोस्तों ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अंतिम समय में जब मैच समाप्त होने वाला था तब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए और इस दौरान स्टीव स्मिथ 34 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं उनके बाद उतरे ट्रेविस हेड ने 18 रन की पारी खेली और तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट अपने गवा चुकी थी और 123 रन बनाए थे और लीड कितने की मिली इन्हें, बस 296 रन। अब बारी थी भारतीय खिलाड़ियों की वो आज चौथे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो तेजी गति से विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 150 रन से पहले ही समेट दे और दोस्तों ऐसा होता हुआ भी नजर आया। मार्नस लाबुशेन और कैमरॉन ग्रीन जब पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गेंद को किस तरह से खेला जाए, क्योंकि दोस्तों पिच पर अब दरारें पैदा हो चुकी हैं और कुछ गड्ढे भी हो गए हैं, जिसके चलते अब स्पिनर गेंदबाज को काफी मदद मिलती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान रविंद्र जडेजा ने इन्हीं गड्ढों का फायदा उठाया और उन्होंने इन दरारों पर ही गेंदबाजी करवाई और लगातार गेंदे फेंकने के बाद एक के बाद एक वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम के लेते चले गए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम अब पूरी तरह से इस मुकाबले में बैकफुट पर ढकेलती हुई नजर आई है। अब रविंद्र जडेजा के अलावा मोहम्मद शमी और सिराज ने भी घातक गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगभग 150 रन से पहले ही रोक दिया है और भारत को 310 रन तक का भी लक्ष्य मिल गया इस मुकाबले में चौथे और पांचवें दिन बनाने के लिए। तो आसानी से टीम इंडिया इस मैच को जीत जाएगी, बस भारत को ध्यान में रखना है कि शुरुआती विकेट जल्दी नहीं गंवाने, क्योंकि दोस्तों यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले से ही दबाव में आ चुकी है और अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब पारी की शुरुआत करने के लिए आएंगे तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों को मिलकर एक अच्छी शतकीय साझेदारी को अंजाम देने की जरूरत है, जिसके चलते यहां एक अच्छी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर और भी ज्यादा डर पैदा हो और इस मैच में वो गलती करें और उसका फायदा भारत को उठाना होगा, तभी भारतीय टीम फाइनल मुकाबला जीत पाएगी। बाकी दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा से भी हर किसी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बल्लेबाजी में। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि चौथे दिन भारतीय टीम आज यह मुकाबला जीत पाएगी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल शतक जड़ पाएंगे या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।